हेलो दोस्तों, मैं तुहाड़ा दोस्त मनु मोड़। तो जिमें तुहानू पता है, डिस्ट्रिक्ट एंड सैशन कोर्ट विच इस साल जिहड़ी 15-20 जिहड़ी क्लर्क एंड स्टेनोग्राफर दी रिक्रूटमेंट दी जॉब अनाउंसमेंट हुंदी है। अते क्लर्क अते स्टेनोग्राफर दी इन्हां पोस्टां वास्ते डिमांड की हुंदी है कि CPT यानी कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट आपां क्लीयर करना हुंदा है। ते हुण इत्थे प्रॉब्लम इह आउंदी है कि कई बच्चों नूं पता ही नहीं हुंदा कि कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट विच किस टाइप के क्वेश्चन अपने तो पूछे जाएंगे, किस टाइप का डैमो अपने तो लिता जाएगा। तो दोस्तों, इस रिलेटेड पूरी जानकारी तो उस वीडियो में देवगा। जो वीडियो बेनीफिशियल लगती है प्लीज़ चैनल में सबसक्राइब कर लो एंड वीडियो में शेयर कर लो। तो दोस्तों, जिमें ही जो CPT है वो स्टार्ट होंगे तो सब तो पहला अपने को MS वर्ड के जोड़े क्वेश्चन अपने तो पूछे जाते हैं। दोस्तों, MS वर्ड में की होंगे ने, एक पेपर अपन देते हैं। इतने दोस्तों टाइपिंग टैसट वो चैक करते हैं। अपनी टाइपिंग टैसट चैक करने वास्ते आपको 10 मिनट दिए जाते हैं, तो अपनी स्पीड जी 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए है। जिन्हें वर्ड ज़्यादा तुम लिखोगे उन्ने ही चांस थोड़े सिलैक्शन के बन जाते हैं। ओवरऑल गल करिए सिंपल जैक अपन पेज पर टाइप किया हों, वह आपां अपने स्क्रीन के सामने रखना, तो वह देख देख के आप टाइप करना। बट यह स्पीड जी अपनी चंगी होगी तो ज़्यादा ईजीली आप उधर कॉन्सनट्रेट कर पावे तो क्वालीफाई कर पावे। जिमें ही 10 मिनट अपने कंप्लीट हो जाते इस टेस्ट वास्ते, उस तो बाद उसका प्रिंट आउट ले लिया जाता है। इस तो बाद अपने को एक्सल रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक्सल विच की पूछा जाता है कि एक अपन शीट किवें दी जाती है, इस तरह की तुम्हें मैं दिखा देना किस तरह का शीट हों। इस तरह का टेबल अपन बनाना हों सेम। दोस्तों, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं हों, कोई अपन सिंपल जो कोई नाम लिखा होगा उपर या नीचे कोई स्टूडेंट के रोल नंबर या वगैरह जिन्हें भी मार्क्स आए हैं एग्जाम, चार पांच कॉलम होंगे ने इस तरह के, अपन सेम इस तरह का बनाना होंगे। इतने तुम चैक कर लो सेम, तो कोई अपन सम नहीं ला लाने की लड़ होंगी, तो कोई होर फॉर्मूला यूज़ नहीं करना, बस टेबल ड्रॉ करना है। तो जो भी मटीरियल जिन्हें भी सेंटर लाइन या राइट लाइन जो भी इस विच किया हुआ सेम बिल्कुल इस तरह का डिटो आप बना होंगे। इसलिए आपको 5 मिनट दिए जाते हैं। 5 मिनट के अंदर अंदर आप जी भी अपन शीट जो प्रेजेंटेशन आप दी हुई से वो बना के अपन सेव करना होंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सैशन कोर्ट की आप जो क्लर्क या स्टेनोग्राफर का इंटरव्यू दे जा रहे हैं, CPT दे जा रहे हैं, तो सिर्फ इन्हों दोनों रिलेटेड ही अपने तो पूछा जाता है। तो कैंडीडेट कन्फ्यूज़ कितने होंगे दोस्तों? कन्फ्यूजिंग वैसे इस विच यह होंगी है कि जी डिस्ट्रिक्ट एंड सैशन कोर्ट की जी लेवल का ये CPT होंगे, इस विच जो अपना PC होंगे इन्हों का पूरा अपग्रेड होंगे जो वर्जन है, क्योंकि नॉर्मल कैंडीडेट जिन्हें अप्लाई किया उन्होंने 2007 या 2012 का जो हों एक्सल वह यूज़ करके प्रैक्टिस की होंगी है। बट इन्हों का पूरा अपग्रेड 2016 का जो एक्सल अपग्रेड हों। MS वर्ड का चलो नॉर्मली हों आप टाइपिंग करनी है, बट जो हूँ तुम तैयारी कर रहे हो तो टाइपिंग स्पीड तो एक्सल विद न्यू वर्जन से अपने जो हों अपग्रेड एक्सल का थोड़ा बैटर परफॉर्मेंस तुम इस CPT एग्जाम दे सकोगे। एंड एक इनफॉर्मेशन तुम्हें होर देनी सी, जे अपनी जॉब का कोई जुगाड़ नहीं हो रहा, नहीं बन रही है, कितने जॉब नहीं लग रही है, तो तुम यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करके चंगी खासी अर्निंग कर सकते हो। उसका लिंक तुम्हें उपर आई बटन से वीडियो के एंड में मिल जाएगा। मेरे दूजे चैनल में जाकर सबसक्राइब कर लो, उससे मैं रेगूलरली यूट्यूब रिलेटड वीडियो पाँगा रहना कि यूट्यूब पर आप पैसा किमें कमा सकते हैं। ओके दोस्तों, एज यूजल जो वीडियो बेनीफिशियल लगती है प्लीज़ चैनल में सबसक्राइब कर लो, तो सपोर्ट की बहुत जरूरत है।